हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। गाइस, आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट से। इसके फ्लावर्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं इस प्लांट के। अभी करीब एक हफ्ते पहले मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा था। उस समय इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई थी और अभी दो दिन से इसमें फ्लावर्स आ गए हैं। और ये देखिए, करीब एक, दो और ये तीन फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं दो दिन से। और जो सबसे ख़ास बात है इस प्लांट की, कि ये इसके फ्लावर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से महकते हैं। सिर्फ इन तीन फूलों ने ही मेरे ये जो घर का आंगन है वो पूरा महकाया हुआ है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जब ये मेरा प्लांट जो है बड़ा हो जाएगा तो इसकी खुशबू से जो मेरे आसपास का वातावरण है वो कितना महकेगा। तो गाइस, आई एम श्योर आप इस फ्लावरिंग प्लांट का, इस खुशबूदार प्लांट का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो इस प्लांट का नाम है सोन चंपा। इंग्लिश में इसे मैग्नोलिया बोला जाता है और इसके कई नाम हैं, सोन चाफा, गोल्डन चंपा, चंपा का, कई नामों से इस प्लांट को जाना जाता है। इसकी पहचान एक खुशबूदार प्लांट के रूप में होती है। परफ्यूम्ड प्लांट्स की कैटेगरी में ये प्लांट आता है। और इस प्लांट का जो नेटिव प्लेस है वो हमारा इंडिया है। और इंडिया में भी ये प्लांट ऐसी जगह ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और पूरा साल मौसम एक जैसा रहे। तो हमारे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ ये प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अपनी फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस इन प्लांट्स को मिलती है, तो ऐसी जगह पर ये बिना किसी देखभाल के बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और अगर इन्हें ज़मीन में लगाया जाता है तो ये एक पेड़ का रूप ले लेते हैं। बहुत ऊंचाई और बहुत ज़्यादा घने फैलते हैं ये प्लांट। तो गाइस, सोन चंपा में तीन कलर आते हैं। एक ये येलो और ऑरेंज कलर का मिक्स है, दूसरा इसमें वाइट कलर आता है और एक इसमें बिल्कुल येलो कलर आता है। तीन कलर कुल मिलाकर इस प्लांट में पाए जाते हैं और तीनों ही बेहद ही खुशबूदार होते हैं। सोन चंपा के जो ये फ्लावर्स हैं इनका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। पूजा में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शुभ और शुद्ध माना जाता है इन फ्लावर्स को। दूसरा, इनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। और बहुत ही महंगे ये फ्लावर्स जो हैं वो बाज़ार में बिकते हैं। तो गाइज, आज मैं अपने इस प्लांट को एक बड़े पोट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो मैं मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी वो गार्डन सॉइल होगी, काउडंग कंपोस्ट उसमें होगा और उसमें कोकोपीट होगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको उसी मिक्सचर में लगाऊँगी। उसके एक हफ्ते के बाद फिर मैं इसे अलग से फर्टिलाइज़र दूँगी, जिससे इसकी ग्रोथ जो है वो और अच्छी हो, इसमें ब्राइटनेस आए इसके फ्लावर्स में और ये मेरा प्लांट हेल्दी बना रहे। फर्टिलाइज़र के लिए इसमें जो मैं बाद में डालूंगी उसमें वर्मी कंपोस्ट होगा, बोन मील मैं इसमें बाद में डालूंगी और लीव कंपोस्ट और होममेड कंपोस्ट का भी इस्तेमाल मैं इसमें करूंगी। इसकी सॉइल में रिवर सैंड और कोकोपीट का इस्तेमाल भी ज़रूर होना चाहिए और एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर कुल मिलाकर इस प्लांट के लिए तैयार करना चाहिए।
अगर बात करें वाटरिंग की, तो इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। ओवर वाटरिंग ना हो इस प्लांट के साथ, उससे बचना चाहिए। इसीलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूट रॉट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी होता है ऐसे प्लांट्स के साथ में जहाँ ओवर वाटरिंग हो। तो गाइज, ये है मेरा सोन चंपा का प्लांट, जिसको मैंने कि दूसरे प्लांट में, दूसरे पोट में शिफ्ट कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसको इस बड़े से ड्रम में लगाया है। सोन चंपा का जो प्लांट रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इस एक पेड़ का रूप ले लेता है। इसीलिए इस प्लांट के लिए बड़े पोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो गहरी जाएँ, अच्छा उनको पोषण मिले, और अच्छे पोषण के साथ ही वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, हेल्दी प्लांट आपका बना रहेगा। इन 3 महीनों में मैंने इस प्लांट के साथ एक्सपीरियंस की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस प्लांट के साथ, वो ये कि सोन चंपा का ये प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है। मैंने इन पिछले 3 महीनों में इसे मंथली वर्मी कंपोस्ट के साथ फर्टिलाइज किया है, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और इसकी हर एक छोटी बड़ी ब्रांच पर करीब 6 से 7 जो हैं वो फ्लावरिंग बर्ड्स आई हुई हैं, और पिछले हफ्ते भर से ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर है ये मेरा प्लांट। और यहाँ भी देखिए, इसमें ये ग्रोथ शुरू हो गई है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इसमें नई नई फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। एक और चीज़ जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फ़िश बोन मील। जी हाँ, फिश बोन मील मैंने इसमें डाला, और उसके बाद मैंने इसमें एक अलग ही ग्रोथ देखी है, अलग ही इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स बहुत अच्छे से मोर फटाफट आना शुरू हुई हैं। दूसरा, कोस्टल एरियाज़ में गाइस एक हवा में खारापन रहता है, जो कि इस प्लांट को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए आप मेरे इस प्लांट की ग्रोथ। इसमें मैंने मॉर्निंग ग्लोरी को भी लगा दिया है। तो बात करें गाइस अब इस प्लांट के प्रोपोगेशन को लेकर के, तो इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होता है। बीज के थ्रू हम इसे लगा सकते हैं, और ग्राफ्टिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। बीज के थ्रू लगाने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है एक इस प्लांट को बड़ा होने में, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत देर से होती है। तो इसके बजाय अगर हम एक ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं, तो उसमें हमें जल्दी ही फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, या जो मैं प्रेफर करूँगी, वो ये कि जब भी आप सोन चंपा लगाना चाहें, तो एक अच्छा सा मैच्योर्ड ग्राफ्टेड प्लांट ही लेकर आएं नर्सरी से। और कोशिश करें आप कि एक बड़ा और मैच्योर प्लांट लें, छोटा प्लांट सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि बड़ा प्लांट और जिसकी जो बड़ा इसका मेन तना होता है, वो देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए, कच्चा ना दिखे, वो एक तरह से पूरी तरह से मैच्योर दिखे। उसकी जो उसका जो मेन तना जो है, वो इस तरह से मैच्योर दिखाई दे, वो कुछ आपको हल्का सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। और ग्राफ्टेड पोर्शन को हमेशा मिट्टी के ऊपर ही रखें। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट को सिलेक्ट करके और सही तरीके से लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।
मैंने अपने इस प्लांट को टेरेस पर रखा है क्योंकि इस प्लांट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 6 to 7 आवर्स की रहती है, तो करीब 6 से 7 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलनी ही चाहिए और खुली हवा में ये प्लांट रहे। तो मैंने अपने इस प्लांट को टेरेस पर रखा है। और जहाँ तक बात है गाइज इसमें पेस्ट अटैक की, तो ऐसा कोई ख़ास पेस्ट इस पर नहीं होता है। ये कुछ इस तरह के जो आते हैं पेस्ट वो इसके पत्तियों को जनरली खा जाते हैं। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से भी बचना चाहें तो एक कॉटन के कपड़े में नीम ऑयल को डंप करके और उससे आप लगातार जो है इसकी पत्तियों को साफ करते रहें। तो ये प्रॉब्लम भी आपके प्लांट के साथ नहीं आएगी। तो गाइज ये है सोन चंपा मैग्नोलिया चंपा का को लेकर के, आई होप सारी जानकारी आपको इसमें मिल गई होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपके कोई सजेशंस हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही साथ गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।